सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। भारत को प्राचीन काल से ही रहस्यों की भूमि कहा गया है। भारत में मंदिरों का निर्माण इतिहास काल में वास्तुकला के अनुसार किया जाता था, लेकिन बिना खगोल विज्ञान के कोई भी मंदिर नहीं बनाया जा सकता। आज कुछ मंदिर आपको भारत में दिखाई देंगे जो ना तो खगोल विज्ञान से निर्मित हैं और ना ही वास्तुकला के अनुसार बनाए गए हैं। लेकिन इस आधुनिक भारत में आपको कुछ हैरान कर देने वाले पहलू भी मिलेंगे जो कि आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। लिपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। 16वीं शताब्दी का वीरभद्र मंदिर, जिसे लिपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के ऐतिहासिक गांव में स्थित है। विजयनगर वास्तुकला की विशिष्ट शैली में निर्मित ये मंदिर, जिसमें कि भगवान, देवी, नर्तक और संगीतकारों की कई उत्कृष्ट मूर्तियां और महाभारत, रामायण और साथ ही साथ महाकाव्यों की कहानियां भी हैं। दीवारों, स्तंभों और छतों पर सैकड़ों चित्र हैं। मंदिर के सामने एक बड़ा नंदी है जो पत्थर के एक खंड से बनाया गया है और ये दुनिया में अपने प्रकार का सबसे बड़ा नंदी है। ये मंदिर अपनी इंजीनियरिंग कलाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक खंभे का जमीन से जुड़ाव नहीं है। वो रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है, जिसमें वस्तुओं को पास करना संभव है, जैसे कि एक तरफ से कपड़े के टुकड़े को आप आसानी से पार करा सकते हैं। लिपाक्षी मंदिर के अनोखे खंभे आकाश स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक खंभा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा है। ऐसी मान्यता है कि खंभे के नीचे से कुछ निकालने से घर में सुख समृद्धि आती है और यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का खंभा पहले जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने ये जानने के लिए कि ये मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया और तब से ये खंभा हवा में ही झूल रहा है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है और यही वो जगह है जहां जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और राम को रावण का पता बताया था। मंदिर में एक बड़े से पैर की निशानी भी है, जिसे त्रेता युग का गवाह माना जाता है। कोई इसे भगवान राम के पैर की निशानी कहता है तो कोई माता सीता के पैर का निशान बताता है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।